दुर्ग पुलिस की 112 द्वारा ड्राइवर के साथ जबरन मारपीट किए जाने से आक्रोशित ड्राइवर संघ ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वही प्रदर्शन के दौरान दुर्ग कलेक्टर का रास्ता रोककर अपनी फरियाद सुनाई। जेवरा सिरसा चौकी स्थित 112 के पुलिस आरक्षक द्वारा बजरंग राइस मिल में कार्यरत चेतन यादव के साथ जबरन इन पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने से आक्रोशित ड्राइवरों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही पैदल नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और दोषी पर कार्रवाई की मांग की और आक्रोश जताया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर से निकली दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी का इन ड्राइवरों ने रास्ता रोककर जमकर प्रदर्शन किया और दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी फरियाद सुनाई। इसके बाद दुर्ग कलेक्टर ने ड्राइवर संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीच बचाव गया था, मतलब सुधारसा करने के लिए एक्सीडेंट हुआ था, दो गाड़ी वहाँ गया था तो नेतागिरी वाले आ गए वहाँ पास। उसके बाद में चले मेरे साथ, फिर मैं वहाँ से चले गया, नेतागिरी वाला भेजा तो रूम में चले गए अपना, हेमार लोग रहते वहीं। फिर वहाँ से उन लोग ना अपन अपन है करके चले गए। उसके बाद पुलिस वाले आया, मेरे रूम से निकाला और मारना चालू कर दिया। कुछ नहीं बोला, सीधा बुलाया इधर आ करके और वहीं से मारना चालू कर दिया। उसको बर्खास्त करना है, बर्खास्त करना है। दो जने थे, दोनों मारा, वीडियो भी हम लोग के पास पूरा है। हमारे देखने वाले, सुनने वाले और सभी सारथी भाई एवं पूरे समाज को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि अभी जो मुद्दा है वो हमारे सारथी भाई के लिए है, चेतन यादव जी के लिए, जो बजरंग राइस मिल में कार्यरत था और कार्य में थे। उस बीच में लगभग 11:30-12 बजे रात को एक दुर्घटना हो गई थी। एक सवारी गाड़ी थी जिसमें फैमिली गाड़ी थी, फैमिली थे, और एक जो भाजपा कार्यकर्ता के गाड़ी थे, उनके जो ड्राइवर हैं वो शराब के नशे में थे। वो नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे और खुद वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो सवार थे। उस बीच में जो फैमिली गाड़ी है उनमें टकराव हुई। उस बीच आपस में दोनों में मतभेद होने लगा, तो उसके बीच बचाव के लिए जो, क्योंकि हमारे सारथी भाई वहाँ राइस मिल के पास जो घटना घटित हुई है वहाँ मौजूद थे। उस बीच बचाव में चेतन यादव और हमारे सारथी भाई गए हुए थे, जो वर्दीधारी हैं। उनके बीच में समझौता होने के कारण से जो पुलिस वाला हैं वो हमारे सारथी भाई को नेतागिरी कर कर धक्का मुक्की किए। उनके बावजूद भी हमारे जो सारथी भाई है कुछ नहीं किए, क्योंकि शासन प्रशासन को, कानून को अपने हाथ में लेना मना है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। तो इस विषय में समझौता होने के बाद जो पुलिस प्रशासन के कर्मचारी हैं 112 में जो घूमते हैं, उनके माध्यम से राइस मिलन में जा करके रूम से उठा करके उनको उनके साथ मारपीट किया गया और जेवरा थाना लाया गया था। उसी संबंध में हम लोग आए हुए हैं। चेतन यादव जी के जो पुलिस कर्मियों के द्वारा मारपीट किया गया है उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं पूरे ड्राइवर समाज की ओर से। तो हमारे माननीय कलेक्टर महोदया जी से निवेदन है कि हमारी बातों को सुनी जाए। जय सारथी, जय भारत। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन प्रदेश उपाध्यक्ष हीरा सिंह नेताम बोल रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। और आज हम दुर्ग जिला कलेक्टर में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारी मांगों को सुना नहीं जाता। कभी भी किसी भी मांग को रखते हैं तो हमको या तो अंश दिया जाता है, उसका पूरा तरह से कभी नहीं मिल पाता, या फिर नकार दिया जाता है सीधे तौर पर। और यही कारण है कि आज हमको मैदान पर उतरना पड़ा है, नहीं तो हम सीधे साधे गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, हमको क्या पड़ी है कि किसी शासन और प्रशासन को तंग करें। आज हमको अपना रोजी रोटी छोड़कर यहाँ तक आने का ज़रूरत क्या पड़ा था? इसका कारण ये खुद हैं जो ये क्रिएट किए हैं, ऐसा तैयार किए माहौल जो हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए, इनके जिम्मेदार ये खुद हैं। और आकर मामला को यहाँ पर सुलझाएंगे नहीं तब तक ये मामला नहीं सुलझ सकता। और इस मामले को सुलझाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय जी को सामने आना होगा। अगर यहाँ से इसको नकार दिया जाता है तो हम आने वाले दिनों में दुर्ग बंद करेंगे। दुर्ग बंद करने पर कार्यक्रम नहीं होगा तो हम पूरा छत्तीसगढ़ बंद करेंगे। छत्तीसगढ़ बंद करने से भी हमारा काम पूरा नहीं होगा तो हम वादा करते हैं
कि पूरा राष्ट्र बंद करेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।